फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और फ्रेंड्स मेरा मन कर रहा है लस्सी पीने का और आज मैं घर पर लस्सी बनाऊंगी। आपको भी जानना है मैंने लस्सी कैसे बनाई तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स लस्सी बनाने के लिए यहाँ मैं फ्रिज में से चिल्ड दही और मटर निकाल रही हूँ और इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें लस्सी बनाने में। तो फ्रेंड्स चलिए आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। तो ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट दही। ये हमारे पास में दही है, ये है मट्ठा, चीनी है और यहाँ पर हमारे पास में ड्राई फ्रूट्स है, ये है कसा हुआ नारियल, किशमिश और देखिए इलायची और पिस्ता, बादाम, काजू और चिरौंजी। तो ये हमारे पास में ड्राई फ्रूट्स है, ये है और ये है हमारी चीनी और चीनी का ये पाउडर है तो आप इसको मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना सकते हो। यहाँ पर मैंने एक ही जग लिया है और ये है हमारी मथनी। फिर जो हरे कृष्ण जी की माँ थी यशोदा जी वो इसी से माखन बनाती थी और मेरी मम्मी और मेरी नानी भी इसी से बनाती है और इसका हम यूज करेंगे। तो ये देखिए और ये है ओखली कूटने के लिए, यहाँ पे एक ग्लास लिया है। तो चलिए अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ऐसे यहाँ पे रखना है इसको। इसमें अब हम डाल देंगे हम ये सारा मट्ठा। तो फ्रेंड अब हम डालेंगे दही। तो ये हमने डाल दी इसमें दही, आप देखिए। तो फ्रेंड अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे इस मथनी से, इस तरीके से इसे चलाना है। बहुत अच्छा लग रहा है इसको चलाने में। और फ्रेंड्स इसे ज्यादा नहीं चलाना है वरना ये मक्खन बनने लगेगा। इसे अभी हम रख देते हैं साइड में और ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है इन्हें हम ओखली में कूटेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालती हूँ बादाम। तो हम सभी एक साथ डाल देंगे, बस इन दोनों को छोड़ के हम सभी को डाल देंगे। इलायची को हमें छील कर डालना है वरना इसका जो छिक्कल है वो हमें लगेगा। तो ये देखिए। और फ्रेंड्स अब ये भी मैंने दूसरी वाली भी छील ली और ये देखिए अभी हम इसे कूटेंगे। अब हम इसे इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट पिस चुके हैं और अभी हम इसको लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे अपनी पिसी हुई चीनी। तो अभी हम इसको डालेंगे चम्मच से। तो अभी हम इसे डालते हैं इसमें और अब हम इसे डालकर चला देंगे। तो ये हमने बना ली। तो ये अब हमारी बन चुकी है। तो अभी हम इसे ग्लास में करेंगे, में डालेंगे। उससे पहले हम ग्लास लेंगे, उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, यहाँ देखिए। और अब हम डालेंगे हमारी लस्सी। तो पहले इसको निकाल लेते हैं और अब हम इसे डालेंगे। कितनी बढ़िया लग रही है।
इसके ऊपर से भी थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, और ये डाल देंगे नारियल जो हमने कसा है, कसा हुआ नारियल, और ये किशमिश। तो अब फ्रेंड्स हमारी ये लस्सी रेडी है, और ये बहुत ही इजीली बन जाती है। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, तो अभी हम इसे टेस्ट करेंगे। तो अब चलिए इसे टेस्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी है ये, यम्मी। आप लोग भी फ्रेंड्स ऐसे लस्सी अपने घर पे जरूर ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।